कोमल जी, पहले तो स्वागत है आपका एक बार फिर थैंक से यू बॉलीवुड स्पाई में। थैंक यू। जानना चाहूंगी मैं आपसे साहो के बारे में। साहो को अगर देखा जाए तो क्रिटिक्स ने नकार दिया था, पर फैंस ने इस फिल्म को क्रिटिक प्रूफ बना दिया। तो इस बारे में आपका पहले तो रिएक्शन जानना चाहूंगी, क्या है रिएक्शन? यस, साहो ने बहुत ही बढ़िया कलेक्शंस इकट्ठा किए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से क्रिटिक्स के बारे में मैं नहीं बताऊंगा। ट्रेड एनालिस्ट जैसे मैं हूँ, हमने जब किसी भी फिल्म को रिव्यू किया है उसकी कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए किया है, एंड साहो चाहे बहुत अच्छी जा रही हो हिंदी में, लेकिन ये फैक्ट है कि साहो के प्रोड्यूसर्स के पैसे टूटेंगे एंड भरपूर टूटेंगे। तो हमने जब ये कहा था कि ये खास नहीं चलेगी, हमारा मतलब यही था कि ये अपना कॉस्ट नहीं रिकवर कर पाएगी। हर फिल्म की एक लागत होती है, उसी के हिसाब से हम एक्सपेक्टेड बिजनेस कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद हम अपडेट करते जाते हैं ऑडियंस को कि इतने कलेक्शंस हुए। तो हालांकि कलेक्शंस बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको जान के दो बातें जान के ताज्जुब होगा। एक तो हिंदी वर्जन के कलेक्शंस तेलुगु वर्जन से भी बेहतर है। सेकेंडली, इतने कलेक्शंस के बावजूद ये फिल्म का, मतलब जिसे कहते हैं ना, प्रोड्यूसर का घर पूरा होना या ये फिल्म का ब्रेक इवन पॉइंट तक रीच करना ऑलमोस्ट नामुमकिन लगता है। मैं आपको गणित समझाता हूँ। इस फिल्म के बनने में करीब 350 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, एंड ये 3 भाषाओं में शूट हुई है, तेलुगु, हिंदी, तमिल, मलयालम में डब हुई है। अब चारों फिल्में, जो चारों वर्जन्स हैं, उनका बिजनेस देखना पड़ेगा। वो अगर 350 करोड़ तक होता है तो ये ब्रेक इवन है, 350 करोड़ से कम होता है तो ये लूजिंग है, और 350 करोड़ से ज़्यादा होता है टोटल बिजनेस टोटल, तो ये प्लस है। अब इसके हिंदी सैटेलाइट राइट्स करीब 50 करोड़ में बिके हैं, एंड तमिल, तेलुगु एंड मलयालम के सैटेलाइट राइट्स बिक गए हैं या बिकने वाले हैं, लेकिन 15-20 करोड़ से ज़्यादा नहीं मिल सकते हैं। तो अगर 20 भी पकड़े तो 70 करोड़ हो गया, और 75 करोड़ में इसके डिजिटल राइट्स बिके हैं, तो 70 प्लस 75 145 करोड़ हुए। 5 करोड़ और जोड़ दीजिए तो 150 करोड़ रुपए नॉन थिएट्रिकल रेवेन्यूज से आ गए हैं, बचे 200 करोड़। अब 200 करोड़ को रिकवर करने के लिए इस फिल्म को कम से कम 450-450 करोड़ रुपए कलेक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 50% फर्स्ट वीक में 50% होता है, सेकंड वीक में 42.5%, थर्ड वीक में 35, फिर 30%, तो मोटा मोटी हम 50% पकड़ते हैं। एक्चुअली 50% से थोड़ा कम है, तो 50% भी अगर पकड़ते हैं तो 400 करोड़ करेगी, तो 200 करोड़ आएंगे प्रोड्यूसर या डिस्ट्रीब्यूटर के पॉकेट में। और क्योंकि 50% से थोड़ा कम होते रहता है सेकेंड एंड थर्ड वीक में, तो मेरे ख्याल से लगभग 425 करोड़ नेट कलेक्शंस हो तो ये जाके ब्रेक इवन होती है। अब 425 करोड़ होना थोड़ा नामुमकिन लगता है, सवा क्योंकि हिंदी वर्जन बेस्ट जा रही है, तो 425 करोड़ का मतलब कम से कम 150 से पौने 200, हो सकता है 200 करोड़ हिंदी में करे तो माना जाए कि तेलुगु, तमिल एंड मलयालम वर्जन में। मिसाल के तौर पर अगर 200 करोड़ हिंदी करती है, यानी तेलुगु, तमिल एंड मलयालम, जिस हिसाब से फिल्म जा रही है वहां करीब 150 करोड़ होगा, तो भी 200 प्लस 150 करोड़ 350 करोड़ हुए। हम 400 करोड़ की बात कर रहे हैं, एंड प्लस 200 करोड़ करना नामुमकिन है हिंदी में। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये फिल्म कलेक्शंस के हिसाब से नहीं चली है। ऑफ कोर्स हिंदी के कलेक्शंस देख के ऐसे लगता है कि फैंटास्टिक कलेक्शंस है, जो कि है, लेकिन क्योंकि दूसरे भाषाओं में इतनी नहीं चली है, एंड क्योंकि इसकी लागत इतनी थी, इसका इन्वेस्टमेंट इतना था, तो ये लूजिंग ही साबित होगी। जैसे कि मैंने क्रिटिक्स प्रूफ की बात की, फैंस ने बनाया, तो आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि साउथ के जो फैंस हैं बहुत ज़्यादा लॉयल हैं अपने एक्टर्स के प्रति, भले ही वो मतलब कैसी भी फिल्म करे, बट बहुत ज़्यादा लॉयल हैं। साउथ के फैंस लॉयल हैं, लेकिन इस फिल्म से वो थियोरी भी प्रूफ डिसप्रूव हो गई है, जी क्योंकि साउथ में ये फिल्म ज्यादा बिजनेस नहीं कर रही है, ये हिंदी में कर रही है। तो मेरे ख्याल से हिंदी फिल्मों के दर्शकों के लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि प्रभास पहली बार हिंदी में आ हिंदी रहा में है। है जी। बाहुबली एंड बाहुबली टू द कंक्लूजन, ये हिंदी फिल्में नहीं थी, हिंदी में डब हुई और इतना बेशुमार बिजनेस किया कि लोगों को प्रभास से मोहब्बत हो गई है। एंड जी प्रभास पहली बार जब हिंदी फिल्म कर रहे थे, वो पूरी पूरा जो प्यार है लोगों का सिनेमा घरों में उमड़ पड़ा, इस वजह से फिल्म इतनी अच्छी गई है। बट तेलुगु एंड तमिल एंड मलयालम में, तमिल एंड मलयालम में तो बिल्कुल कमजोर बिजनेस है, तेलुगु में हिंदी जितना बिजनेस नहीं है, और इसलिए ये
थियरी डिसप्रूव होती है कि साउथ वाले फैंस बहुत लॉयल होते हैं. ऑफकोर्स लॉयल होते हैं, इस फिल्म में लॉयल्टी नहीं दिखाई, नहीं तो तेलुगु में इसका बिजनेस होना चाहिए था, इसके कलेक्शंस होने चाहिए थे कम से कम 250-300 करोड़. क्योंकि मैं केवल और केवल आंकड़ों पर जाता हूँ, तो मेरा तो यही कहना है कि लॉस मेकिंग फिल्म है और इसलिए इट इज़ नॉट अ प्रॉफिटेबल फिल्म, इट इज़ नॉट इवन अ ब्रेक इवन फिल्म, ये एवरेज भी नहीं है, औसत से कम है.